बैगदूर क्या आपका नाम, उसका नाम दिया जाएगा गांव का बैगदूर क्या है? सोनी को टाइट कर। जब केबीसी से कॉल आया हमारे पास में, तो हमने सोचा कि फेक कॉल होगा, केबीसी में हमें कौन बुलाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे फिर कॉल आया कि हम केबीसी से बोल रहे हैं और आपको हम इनवाइट करना चाह रहे हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपके बारे में हमने काफ़ी जगह पढ़ा है, आपको नारी शक्ति अवार्ड भी मिला है, तो हम आपको बुलाना चाह रहे हैं स्पेशल शो में। फिर दो महीने रेगुलर फ़ोन पे इंटरव्यू चला और फिर उनकी टीम आई यहाँ पे, सारा यहाँ का शूटिंग करके लेके गए। हमारा दिल्ली में फैशन शो था, तो उसमें भी वो उनकी टीम पहुँची और पूरा शूट किया। और फिर यहाँ के गांव में ढाणिया में जो मेरा बचपन था, मेरी स्कूल थी, सब जगह की शूटिंग की। और वहाँ जब हम केबीसी में गए, तो उस टाइम
हमें बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा, सवाल जवाब होंगे, तो हमें इतना नहीं पता था कि हम उनका सामना कैसे कर पाएंगे। फिर उन्होंने हमारे साथ में मदद के लिए सोनाक्षी सिन्हा जी आए और फिर हमने दोनों ने संघर्ष किया और अमिताभ बच्चन जी के साथ में हम खेले भी और काफ़ी अच्छी बातें भी हुई। एकदम से ऐसे आए और इतने लंबे हैं, हमने सोचा पता नहीं ये सच में आ गए क्या ऐसा लगा, लेकिन फिर लगा कि हाँ सच में है क्या बातें क्या हुई? काफ़ी सारी बातें हुई, वो तो आप 20 तारीख को देखिएगा, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से बताया अपना एक्सपीरियंस, जो बाड़मेर पहले कई साल पहले उन्होंने शूटिंग की थी, जैसलमेर आए थे तो उस टाइम के एक्सपीरियंस बताए, और बाकी सब तो आप 20 तारीख को ही देखिए। अच्छा जो हम हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहे हैं, इन्हीं के जरिए सब कुछ हो रहा है, और यहाँ की कला को बढ़ावा देने के लिए ये हमारा हौसला बढ़ाता है। जो भी पुरस्कार मिलते हैं उससे हमारी महिलाओं का हौसला बढ़ता है कि अपन अनपढ़ होके भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग अपने काम को पसंद कर रहे हैं। जी ज़रूर, हम कोशिश कर रहे हैं, उनका फल मिल रहा है। जो महिलाएं अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी, बाड़मेर तक आने की संभावना नहीं थी, वो आज खुद दिल्ली बॉम्बे जाके अपने प्रोडक्ट सेल करती है। आज मेरे साथ में 10 महिलाएं जैसे केबीसी में चली है, तो बहुत ही गर्व की बात है कि अच्छा केबीसी में भी आपके साथ में और कौन कौन थे? मेरे साथ में सुगनी देवी थी, मोहिनी देवी थी, काफ़ी आर्टिजन्स थे अच्छा जो अपने अच्छा गांव एक से चीज़ बताइए थे। मैम, आपने सोनाक्षी सिन्हा को क्यों चुना? मतलब कैसे? क्यों क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि आपने उनको ही क्यों चुना? क्या वो आपकी फेवरेट है? जी, हमने ज़्यादा कोई पिक्चर देखी नहीं है, मैंने उनको बोला अनुष्का शर्मा जी का, लेकिन उन्होंने बोला कि ये पिछली बार आ चुके हैं तो उनको नहीं बुला सकते। फिर मैंने कहा सोनाक्षी सिन्हा की मैंने पिक्चर देखी है तो वो बहुत अच्छी है मेरे लिए। हम यहाँ से बैठकर और लेके गए थे उनके लिए, और वहाँ पे खोल के देखा उन्होंने तो उनको अचंभित हो गए कि ये क्या है। तो हमने बताया ये कैसे बना, एक एक टाँका हाथ से लिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ये तो मैं बिसाऊंगा कैसे, ओढ़ूंगा, और अपनी टीम को बोला ये कहीं आप मिक्स मत कर देना, ये अलग से रखना और ये मैं ज़रूर ओढ़ूंगा। मतलब कितना प्राउड फील हुआ, बहुत मतलब ही वो सोच मतलब आपको कि अपनी मतलब जो जिसके लिए आप संस्कृति कला या जिस तरीके से आप करते हैं। इतने बड़े लोग इतने अच्छे से बोलते हैं, अपने क्राफ्ट को इतनी अच्छे से पसंद करते हैं, तो हमें तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ था। आप लोग गए थे कैसे हुआ का? वहाँ जाके आपने क्या क्या देखा? हाँ, मैं कभी से गए थे तो धनौ गांव किया, पहले तो धोराम था, छोटन से बाड़ में देखी नहीं, उसके बाद में रोमा जी साथ में मैं संस्था में जुड़ी, तो उधर बाद में दिल्ली जयपुर पूना बम्बई, लास्ट में बम्बई देखी, तो हमारे को बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन रोमा जी खेला तो मैं आसपास बैठी थी, बहुत ताड़ियां बजाई करी, अच्छा लगा, और साथ में फ़ोटो खिंचवाया, बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे आई तो हमारे पति ने माला फेराई, अपने बच्चों ने, बहुत अच्छा लगा।